श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे आज जो हम कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से तो किस तरह हमारी जेब कट रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। आजकल चारों तरफ नोटबंदी की वजह से पैसे के लिए लोग परेशान हैं, तरस रहे हैं यार कहीं से पैसे मिल जाए छुट्टे। तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैशलेस पेमेंट की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के पेमेंट से हमें नुकसान हो रहा है पर्सनल लेवल पे। कैसे नुकसान हो रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये समझ लिया, आप ट्रेन की टिकट बुक करने जा रहे हैं, आप ट्रेन की टिकट बुक कीजिए तो समझ लीजिए आप पटना से दिल्ली टिकट बुक कर रहे हैं थर्ड एसी का। तो इसमें आपको IRCTC से जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपके लग जाते हैं कम से कम 1320 रुपये। आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कीजिए तो इतने पैसे लगेंगे। वही टिकट आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाके बुक कीजिए तो आपको लगेंगे 1290 रुपये। तो हमें कितने की चपत लगी, हमें 30 रुपये की चपत लग गई। तो नोटबंदी के इस दौर में कैशलेस भुगतान करना सच है, अच्छा है, पर हमारे जो पैसे घुस रहे हैं उसका क्या? तो हम अपने नकदी बचाकर हकीकत में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब जैसे टिकट का मामला हुआ तो हमें 30 रुपये की चपत लग गई। अभी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करने पर हमें 11 रुपये ज़्यादा देने होते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कार्ड कौन सी कंपनी मुहैया करा रही है और उसने बिजनेस प्लेटफॉर्म से किस तरह का करार कर रखा है, जो हम लोग को नहीं पता होता, पब्लिक को ये चीज़ें नहीं पता होती, हम अनजान होते हैं इस मामले में। हालांकि अभी तो सरकार ने सर्विस टैक्स को लेकर तत्कालिक राहत दे रखी है, पर ये राहत कब तक होगी हमें भी नहीं पता है। IRCTC ने 30 दिसंबर तक के लिए टिकटों पर होने वाली अपनी कमाई छोड़ रखी है। 23 नवंबर से पहले IRCTC को स्लीपर क्लास के टिकट पर 20 रुपये और AC के दर्जे पर 40 रुपये की कमाई होती थी। अभी सरकार, बैंक और कार्ड सर्विस देने वाली कंपनियां जितनी भी है फिलहाल कई तरह की छूट दे रखी है, लेकिन यह साफ नहीं है कि डिस्काउंट सिर्फ 30 दिसंबर तक ही चालू रहेगा या उसके बाद चालू रहेगा। उसके बाद भी ऐसी स्थिति रही तो हमारे तो पैसे लगते चले जाएंगे, तो कैशलेस पेमेंट से हमें तो नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि मूवी टिकट जब हम लेते हैं तो वहाँ भी हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये है हमारा कैशलेस पेमेंट के नुकसान। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।